नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि जबलपुर रेल मंडल में रीवा सतना दूसरी रेल लाइन का काम किया जा रहा है और ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का भी काम किया जा रहा है। जब इन परियोजना को शुरू किया गया था उस समय बताया गया था कि परिवार में एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दी जाएगी। हालांकि भारतीय रेलवे ने कुछ वादा पूरा किया और कुछ नहीं किया। आधे लोगों को नौकरी मिली और आधे लोगों को नौकरी नहीं मिली, जिसको लेकर किसानों ने विरोध किया। इसका असर ये हुआ कि सालों बाद भी ललितपुर सिंगरौली जो रेल परियोजना है वो आज तक अधूरी है। अब इसका असर जबलपुर गाडरवारा बुधनी इंदौर 342 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना पर हो रहा है। इस परियोजना में अब तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ। जगह जगह किसान जमीन के बदले नौकरी देने की मांग कर रहे हैं, जबकि 2024 के केंद्रीय बजट में इस परियोजना के विस्तार के लिए लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई थी। आप सभी को अवगत कराते चलें कि नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए जबलपुर रेल मंडल ने हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहण की, इस वादे के साथ कि उन्हें या उनके परिवार से एक सदस्य को रेलवे के ग्रुप डी पद पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों की उम्र योग्यता की जांच कर लगभग 3 से ज्यादा उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की गई। दस्तावेजों की जांच में कई उम्मीदवार बाहर हो गए, ऐसा प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताया गया। इनके अलावा ये भी बताया गया कि 2800 को रेलवे में नौकरी भी दी जानी थी, इसमें लगभग 1400 को नौकरी दी गई। कुछ लोगों को नौकरी देने से पहले ही रेलवे ने भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। जबलपुर रेल मंडल ने इसकी वजह रेलवे बोर्ड से मिले आदेश को बताया है। किसान 2019 से नौकरी पाने के लिए जबलपुर मंडल से पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी, जबकि रेलवे ने उनकी जमीन वापस करने के बजाय उस पर पटरियां बिछाना शुरू कर दिया। पश्चिम मध्य रेलवे के जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं हर्षित श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा बताया गया कि 2015 में 61 किलोमीटर रीवा सतना दूसरी रेल लाइन का काम स्वीकृत हुआ था। 2 साल में इस काम को पूरा होना था। वर्ष 1997 से 1998 में 541 किलोमीटर लंबी ललितपुर पन्ना सतना रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन स्वीकृत हुई, ये भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। 2019 के बाद रेलवे ने जमीन अधिग्रहण करने के बदले नौकरी देने का जो नियम था उसको खत्म कर दिया। जो भी भर्ती होनी थी उसे भी रेलवे बोर्ड ने रोक दिया। रेलवे बोर्ड ही इस पर निर्णय लेगा कि भर्ती चालू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रेलवे ने साफ साफ बोल दिया है कि उन्होंने नौकरी देने की जो नीति है उसको वापस ले लिया है। अब नौकरी नहीं दी जाएगी, नौकरी के बदले मुआवजा ही दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि किसानों के विरोध के वजह से इस रेल लाइन परियोजना की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई थी। ऐसा ही हाल जबलपुर इंदौर जो रेल परियोजना है उसमें भी आ रही है। वहाँ पे भी किसान डिमांड कर रहे हैं कि उनको जमीन के बदले रोजगार दिया जाए। ललितपुर सिंगरौली का जो मैटर था वो कोई दूसरा था। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में पहले नौकरी दी जा रही थी, उसके बाद भारतीय रेलवे ने कहा कि 11 नवंबर 2019 तक के किसानों को हम नौकरी देंगे और उसके बाद पूरी तरीके से नौकरी देना बंद कर दी। इस वजह से काफी किसान परेशान हुए, किसानों ने अनशन किया, अपने हक की लड़ाई लड़ी। हालांकि किसानों के हाथ में लगी सिर्फ निराशा, लेकिन इसमें जो उनकी भी गलती नहीं है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने नौकरी देने की जो नीति है उसको वापस ले लिया, अब वो दोबारा बहाल नहीं होगी। हालांकि क्षेत्र के जो सांसद हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार दिया जाए, लेकिन आपको बताते चले सो की सीधी बात, रोजगार वगैरह अब मुश्किल है। सीधे रोजगार के बदले अब दिया जाएगा मुआवजा और दिया ही जा रहा है। हालांकि हम तो चाहते हैं कि किसानों को जमीन के बदले रोजगार दिया जाए, नौकरी मिले। और आपको बताते चले कि जितने भी लोग ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की वीडियो दिखाते हैं, 3-4 साल हो गया है, 3-4 साल से मैं ही किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ही अपने यूट्यूब चैनल पे बोलता हूँ कि किसानों को रोजगार दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं। ये भी एक बहुत मुख्य भूमिका थी, लोगों ने वीडियो देखा और न शेयर किया न कहीं भी भेजा, देख के चुपचाप चले गए। जब वीडियो शेयर होती है ऊपर तक वीडियो जाती है, वीडियो आग की तरह जब फैलती है तब थोड़ा सा असर दिखाई देता है, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत बहुत होती है। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमारी बात ऊपर तक जाए। तो फिलहाल जुड़े रहिए आप हमसे हमारे YouTube चैनल रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।